इवन जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्प्रूव कैसे करें बॉलिंग स्पीड या फिर कैसे तेज बोल डाल सकते हैं। अगेन जो मैं बताता हूँ कि लोगों के साथ और प्लेयर को देख के आप सीख सकते हैं, तो अगेन भुवनेश्वर कुमार का एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, बट एट प्रेजेंट उन्होंने 140 भी 135 हाई 135 में रहते हैं, उसी पे स्विंग कराते हैं। तो बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत सीखने वाली चीज़ है कि यार जब एक इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। बस एक रिक्वायरमेंट है कि सही डायरेक्शन और सही ट्रेनिंग, वो सब चीज़ें आपको मिलनी चाहिए और आपको एक जो एक गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि भुवनेश्वर कुमार ने किस तरीके से अपनी बॉलिंग की स्पीड बढ़ाई या फिर किस तरीके से उन्होंने अपने बॉलिंग का जो पेस है अप किया और एक कंसिस्टेंट लेवल पे बोल डालते हैं, वो हाई 135 या 130, 135, 138 इस तरीके की बॉलिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी जानूं किस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, क्योंकि मेरा भी जो बॉलिंग का जो एक तरीके से फोटे गए तो वो यही है कि स्विंग बॉलिंग एंड देन उसके साथ में स्पीड इंप्रूव करना और चीज़ों को इंप्रूव करना। तो मैंने बहुत मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और साथ में जो यूपी के प्लेयर्स है जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जैसे उपेंद्र है और जो मेरे दोस्त है जो यूपी से खेल रहे हैं, जो उनके साथ खेले हैं, उनके साथ भी काफ़ी बात करी, साथ में बहुत इंटरव्यूज़ को देखा भुवनेश्वर कुमार की किस तरीके से इंप्रूव करी है, किस तरीके की ट्रेनिंग करी है। तो आज उन सब के ऊपर मैं बात करूँगा और ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बात आती है, अगर आपको बॉलिंग इंप्रूव करनी है, स्पीड इंप्रूव करनी है, तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपकी ट्रेनिंग भी स्पीड में ही होनी चाहिए। जैसे आप ट्रेन करते हो, जैसे अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे, उसी तरीके से आपकी डिक्टेट करिए आपकी बॉलिंग के ऊपर। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो एक्सप्लोजिव पावर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप 6-5 महीने उस तरीके की ट्रेनिंग करेंगे, प्रॉपर सिक्वेंस में चलेंगे, तो जो आपकी बॉडी है उसी तरीके से रिएक्ट करती है, उसी तरीके से उनकी स्पीड, भागने की स्पीड, रनअप की स्पीड, बॉलिंग के एक्सप्लोजिव क्रीज से निकलना, वो सब चीज़ें डिक्टेट होने लग जाती है। वो फिर एक सबकॉन्शियसली आप उसको सोचते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का पैटर्न इस तरीके से इंक्रीज हो चुका होता है कि वो तेज निकलती है बॉडी मास से। तो सबसे पहले ट्रेनिंग, अगर आपको अगेन जैसे मैंने ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है, सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ मैं साथ में, तो अगर आपको अपनी ट्रेनिंग का कैसे आप डिज़ाइन करना है, क्या चीज़ें जिम में करनी है, क्या ग्राउंड में करनी है, कितनी प्रैक्टिस, क्या चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें आप मेरे को अगर चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे क्रिकेट फिट अभिषेक पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको ज़रूर मैं अपनी तरफ से जो भी होगा मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और चलते हैं वीडियो के ऊपर, दोबारा आते हैं। तो अगेन ट्रेनिंग का जो उन्होंने पैटर्न है वो चेंज किया, काफ़ी इंटरव्यू मैंने देखे कि पावर ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि स्नैच हो गया, पुश प्रेस हो गया, क्लैप पुशअप, और मतलब हाई स्पीड एक्सरसाइजेज जो होती है, एक्सप्लोसिव पावर, मेडिसिन बॉल एक्सरसाइजेज हो गया, जंपिंग हो गई, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी स्टार्ट करी, तो बॉडी का जो अडेप्टेशन है वो भी उस तरीके से होने लगा, बॉडी स्पीड में आने लगी, बॉडी के जो रनअप है वो भी तेज होने लगा और क्रीज से जो तेज निकलना है वो स्टार्ट हो गया। तो अगेन मैं कहूँगा जो ट्रेनिंग है वो आपकी एक्सप्लोजिव वे में होनी चाहिए और आपकी हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप जिससे कि तेज बने, चाहे आपकी स्प्रिंटिंग हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या चेंज करी वो थी रनअप की स्पीड। अगर आप शुरू में देखेंगे तो उस समय इतनी तेज़ रनअप की स्पीड नहीं थी, और अभी एट प्रेजेंट रहेंगे तो रनअप की बहुत एक अच्छी इफेक्टिव स्पीड है, तेज है, क्रीज से तेज निकलते हैं। तो वो चीज़ आप एक अपनी बॉलिंग में कर सकते हैं कि एंड के अंदर थोड़ा सा एक्सेलरेट करें, थोड़ा पुश करें, एक आँख में आपके दिखना चाहिए कि आप तेज बॉल डालने आ रहे हैं, एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, पहले जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो बहुत ज़्यादा बॉडी एक तरफ गिरती थी, जैसे आपने शुरू की वीडियोज़ देखी होगी, बहुत ऐसे लेटर फ्रैक्शन है, वो चीज़ नहीं होनी। जब आपकी बॉडी एक तरफ गिरने लगेगी तो आपका फोर्स इधर जा रहा है, बॉल आपको सामने फेंकनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपका फोर्स है वो दूर होता है, मतलब बॉल हमें सामने फेंकना है, बॉडी लेकिन इधर कर दिया तो ऑब्वियसली स्पीड घटेगी। तो आपको टुवर्ड्स बैट्समैन जाना है, जंप आउट नहीं होना चाहिए, लेटरल फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, पर बहुत ज़्यादा ऐसी बॉडी गिरनी नहीं चाहिए, टुवर्ड्स बैट्समैन जाए, जितना हो सके बैट्समैन की तरफ निकलने की कोशिश करे, चाहे वो फॉलो थ्रू हो, चाहे जंप हो, या चाहे एक्शन हो, तो जितना वो सीधा रहेगा उतना आप चांसेस दोगे ज़्यादा स्पीड में बॉल डालने का। तो इस तरीके से भी आप अपना एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, सीख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार से कि बॉडी के जो एंगल है वो कितने अच्छे रहते हैं और किस तरीके से वो निकलते हैं आगे की तरफ। तीसरी चीज़ वो है जो देखने लायक है, वो है जो बॉलिंग के अंदर जो फॉलो थ्रू है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे तो क्रीज के जो बॉल डालने का जो उनके पैरों की जो प्लेसमेंट है, जो पूरा पैर पीछे से उठता है देन तेज़ निकलते हैं क्रीज से, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ज़रूर आप चीज़ें सीखें, जितना आप क्रीज से तेज़ निकलने की कोशिश करेंगे उतना बॉल के पीछे मोमेंटम लगेगा और बॉल का जोर लगेगा। तो ये चीज़ ज़रूर अपनी बॉलिंग में इंट्रोड्यूस करें या फिर सीखें इस चीज़ के साथ में,
तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे कि आप भुवनेश कुमार से सीख सकते हैं, फिर उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करा, अपनी बॉलिंग की स्पीड को इम्प्रूव करा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, न्यूट्रिशन, थोड़ा डाइट का भी अपना ध्यान रखें, अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लें और कंसल्ट करें किसी के साथ में कि एक अच्छी जो आपकी डाइट है वो भी बहुत प्ले करती है, क्योंकि जितनी हार्ड ट्रेनिंग करो उतना आपका उसी तरीके का आपको न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट हो, हेल्दी फैट्स हो, वो सब भी मिलने चाहिए। तो वो चीज़ें आपको जरूर ऐड करनी है, ट्रेनिंग, राइट बॉलिंग की जो आपकी स्किल्स है, चीज़ों का ध्यान रखना, देन आपका न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें बहुत रोल प्ले करती है। और स्पीड कोई ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीने करोगे तो आ जाएगी, ये 5-6 महीने जब रेगुलर आप एक चीज़ पे मेहनत करोगे तब वो चीज़ दिखनी शुरू होती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, तो चीज़ें ज़रूर आपकी इम्प्रूव होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।